पैदल ही आ रहे हैं? नहीं नहीं, हाँ सर पैदल पैदल आ रहे हैं। संजय जैन साहब भी सामान में वो जिस दिशा में लेके जा रहा था उस दिशा में वो इस तरीके से बैलों को मारता है, भागता है कि उनका परिवर्तन देखिए, मैंने अभी हाल में एक आनंद कुमार की पिक्चर देखी सुपर 30। उसमें आनंद कुमार जी तो बड़े पुअर बैकग्राउंड से आके और अच्छा जॉब छोड़ के गरीब बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया और उसमें उन्होंने सफलता प्राप्त की। हमें तो शासन द्वारा अच्छी तनख्वाह दी जाती है और हम वेल टू डू हैं, तो मैंने ये महसूस किया कि अगर हम अपने कुछ समय का सदुपयोग कर इन अधिवक्ताओं को या ला स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाने में दे सकते हैं तो ये हमारे लिए बड़ा सुकून और उपलब्धि की बात होगी। और इस संबंध में हमारे ट्रेनी जजेज रीना शर्मा और नीरज अग्रवाल जी, हमारे CGM साहब, हमारे ADJ साहबान ने काफ़ी मदद की है और ये लोग बड़े मन से पढ़ा रहे हैं और बच्चों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और यदि इन बच्चों में से कोई भी बच्चा सिविल जज बन जाता है या APP बन जाता है तो ये हमारे लिए सुकून की बात होगी। और यदि उसमें सफलता नहीं प्राप्त करता है किंतु अधिवक्ता के प्रोफेशन भी में ही भी रहता है तो अवश्य उसको लाभ मिलेगा और ये हमारे नीमच के लिए और हम लोगों के लिए गौरव की बात होगी। ठीक, किस तरह से बच्चे की संख्या बढ़ी है और किस स्तर के जो बच्चे हैं वो उनका प्रोफाइल क्या है या क्या फाइनेंशियल प्रोफाइल, व्हाट आर देयर फाइनेंशियल प्रोफाइल? इसमें कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो वकालत कर रहे हैं और 1-2-3 साल से वकालत कर रहे हैं किंतु अभी जूनियर एडवोकेट से उनका मन वकालत में नहीं लगता, तैयारियों में लगता है। मैंने चर्चा की थी, उनका रुझान देखा तो मैंने इस प्रकार का प्रयोग किया। फिर उसके इन बच्चों के पढ़ाई के साथ साथ जब बात आगे बढ़ी तो कुछ ला स्टूडेंट्स जो एडवोकेट नहीं हैं, रजिस्टर्ड एडवोकेट नहीं हैं किंतु बाहर रह के कमीशन की तैयारी कर रहे, वो भी आने लगे। उनकी स्थिति भी ऐसी, आर्थिक रूप से तो पूरी तरह मुझे जानकारी नहीं है किंतु ऐसी आर्थिक स्थिति नहीं है कि वो इंदौर, भोपाल या दिल्ली जाकर बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स में रहकर कोचिंग क्लास ले सकें, तो इसलिए हमने निःशुल्क कोचिंग देने का ये प्रयास किया है।